भोलेनाथ जी, बताइए सुधा ने आपका क्या चुराया है? हाँ बताओ, क्या चुराया है मैंने? झूठे कहीं के? यदि मेरा आरोप सिद्ध ना कर पाए तो द्वारका से निकलना होगा। अरे पंडित जी, क्रोधित क्यों होते हो? चोरी तो आपने की है। फिर तुमने सारे द्वारका के सामने मुझे चोर कहा? बताओ क्या चुराया है मैंने? ऐसी कौन सी मूल्यवान वस्तु है तुम्हारे पास मेरा घी कहीं के? तो बताइए क्या चुराया है सुदामा ने आपका? बताता हूं महाराज, परंतु बताने से पहले मुझे कुछ समझाना पड़ेगा। मेरी सबसे अनमोल धरोहर है मेरा ज्ञान। मैं उदाहरण के तौर पर यह बताना चाहूंगा कि मैंने सुना है कि इस महाशिवरात्रि के पर्व में स्वयं रानी रुक्मिणी ने एक वृक्ष खोजा है और उस बेल वृक्ष से ही वो बेलपत्र तोड़कर लाएंगी और इस पूजा में उसका प्रयोग करेंगी। परंतु मेरी जानकारी कहती है कि इस प्रकार की बड़ी महाशिवरात्रि की पूजा में बेलपत्र भी सबसे बड़े बेल वृक्ष से ही लाना चाहिए और जिस वृक्ष की खोज रानी रुक्मिणी ने की है वो सबसे बड़ा बेल वृक्ष नहीं है, क्योंकि यहां सबसे बड़ा बेल वृक्ष तो पर्वत के उस ओर है, वहीं से लाना चाहिए आपको। आपको कैसे पता? जानते कितनी कठिनाई से मैंने वो वृक्ष खोजा है और आप कह रहे हैं कि सबसे भव्य वृक्ष पर्वत की दूसरी ओर स्थित है। रानी जी, कृपया क्रोधित मत होइए। इस पूरे संसार में बेल वृक्ष कहां सबसे बड़ा है, कहां सबसे उत्तम है, ये मुझसे अधिक और कौन जान सकता है? कह तो ऐसे रहे जिसे स्वयं महादेव हो। अरे नहीं रुक्मिणी, देखो हो सकता है ये जो कह रहे हैं वो सत्य भी हो। हम वहां गए नहीं है ना, कदाचित हमें वहां जाके देखना चाहिए। पर्वत की उस ओर हो सकता है वहां पे वास्तव में इतना विशाल बेलपत्र का वृक्ष। किंतु श्री कृष्ण, ये तो अभी अभी यहाँ आए हैं ना, इन्हें भला मुझसे अधिक कैसे पता होगा? कुछ लोग होते हैं ज्ञानी, जिन्हें देखकर उनके ज्ञान का अनुमान लगाना लगभग असंभव होता है। क्यों भोलेनाथ जी? आप धन्य है द्वारकाधीश, आप सत्य में धन्य है और प्रत्यक्ष रूप में ज्ञानी भी। अब आप ही न्याय कीजिए। हुआ यूं, इस चोर ने मेरी एक मूल्यवान वस्तु की चोरी की है। गुस्सा मत करना भाई, क्रोध मत करना भाई, मैं बताता हूं कैसे और कहां चोरी की। ये वन में भटक रहा था, द्वारका का मार्ग खोज रहा था, इसे मिल नहीं रहा था। हमने इसका मार्गदर्शन किया, इसे द्वारका तक का मार्ग बताया। अच्छा, उसके पश्चात जब ये द्वारका आ गया तो हमें वहीं भूखे मरने के लिए छोड़ दिया। अब आप ही बताइए, जब इसे हमारी सहायता की आवश्यकता थी तो हमने इसकी सहायता की, इसका मार्गदर्शन किया और हमारी सहायता के बदले में इसने हमें एक बार का भोजन भी नहीं करवाया। अब आप ही बताइए, सुदामा ने मेरा यह ज्ञान चुराया है या नहीं? वैसे सुदामा, इन्होंने जो कुछ भी कहा इनका कथन तो शत प्रतिशत उचित है। यदि आप ऐसा मानते हैं श्री कृष्ण, तो अब आप ही मेरा न्याय कीजिए। न्याय ये होगा कि आप द्वारकाधीश से जो चाहे वो मांग सकते हैं। हे द्वारकाधीश, मैं तो वैरागी हूं, मैं अपने लिए क्या मांगू? हाँ, ये मेरी प्राण प्यारी है ना, अर्थात मेरी पत्नी उमा, इसे कहीं काम पर लगवा दीजिए। मैंने सुना है कि आपके रसोई घर में कुछ काम करने वालों की आवश्यकता है, बड़ी कृपा होगी अगर आप इसे वहां कोई काम पर रख लें। अच्छा, राधा के पास? राधा के पास नहीं तो और कहाँ ज्येष्ठ। हाँ वैसे हमें भी आवश्यकता थी कि कोई रसोई में काम करे। रुक्मिणी, आप उमा जी को रसोई घर में ले जाइए। आइए। राधा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो
मैं अपनी महादेव की पूजा की तैयारी के लिए बेर इकट्ठे कर रही थी। अच्छा राधा, ये उमा जी आज से ये रसोई में तुम्हारे साथ काम करेंगे। पता नहीं क्यों किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं आपको जानती हूँ, आपसे पहले भी मिल चुकी हूँ। हाँ कदाचित मिले होंगे हम। ये संसार है भी तो इतना छोटा। सत्य कहा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, पता नहीं क्यों। चलिए छोड़िए, अब हम साथ में काम करने वाले हैं ना, बहुत आनंद आएगा। हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ वैसे आपने ऐसा क्यों कहा कि आप अपनी पूजा के लिए बेर इकट्ठे कर रही है, आप रात से पूजा में नहीं जाएंगी? वो किसी कारणवश में वहां जा नहीं पाऊंगी, किंतु आप अवश्य जाइएगा। हाँ इस पूजा में द्वारका के सभी लोग आमंत्रित हैं, उमा जी आपको भी आना होगा। नहीं, अभी राधा जी ने मुझे और उन्हें हम कहकर संबोधित किया, तो हम एक ही पक्ष में हैं, हम अलग अलग पूजा नहीं करेंगे। मैं राधा जी के पूजा में सम्मिलित हो जाऊंगी। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो आइए पूजा की तैयारी करते हैं उमा जी। नहीं नहीं नहीं, राधा जी उमा जी नहीं, उमा। राधा जी नहीं, राधा। सुदामा, अभी तो तुम 56 भोग देखकर इतने प्रसन्न थे, अब खा भी नहीं रहे हो, बताओ क्या हुआ? क्या बताऊं काना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अभी तो तुमने महापंडित का सम्मान दिया था मुझे, और उस दुष्ट भोलेनाथ ने मुझे चोर कहकर सारे द्वारका के सामने अपमानित कर दिया। देखो सदामा, जीवन का ऐसा सत्य है कि मान और अपमान दोनों जोड़े में आते हैं, तो जहां मान होता है वहां अपमान होता ही है। इसलिए कहा जाता है कि जब भी मान मिले तो अधिक अभिमान नहीं करना चाहिए, और तुमने तो ऐसा कुछ नहीं किया है। देखो मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई बुरा भाव नहीं है सदामा, मैं समझता हूं। रुक्मिणी, रुक्मिणी आप बताइए, क्या आपके मन में सुदामा के लिए कोई भी बुरा भाव है? क्या आप बताइए, आप क्या सोचती हैं? ये जो कुछ भी हुआ, ये चोरी, ये सुदामा ने जानबूझकर किया? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जो हुआ अनजाने में हुआ। देखा, अब ठीक है, चलो भोजन ग्रहण कर लो। तो बताओ उमा, कहां से श्री गणेश कर? क्या श्री गणेश? अर्थात आरंभ, हर कार्य के आरंभ के देवता तो श्री गणेश ही है ना। आरंभ के देवता श्री गणेश, बड़ा नटखट है गणेश, पूरा दिन सताता रहता है। ये क्या कह रही हो उमा, तुम्हें कैसे पता? हाँ हमारा मतलब है कि छोटा सा तो है गणेश, आप ये समझ लीजिए कि मेरे पुत्र जैसा है गणेश। श्री गणेश पुत्र जैसे? चलो ठीक है, कदाचित आप उन्हें स्नेह से वैसा बुलाती हूँ। वैसे ये सारी रसोई आपकी, जहां से जाओ वहां से आरंभ करो। श्री कृष्ण, आज आपको भी भोजन करना होगा। मैंने सभी व्यंजन आपकी रुचि के बनवाए, और सभी अत्यंत स्वादिष्ट भी। स्वाद भोजन से नहीं, भूख से आता है। अब भूख तो मुझे है नहीं। मुझे तो अभी विश्वास नहीं हो रहा, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। आप एक काम कीजिए, सुदामा ने जो मुट्ठी भर चावल लाए थे उसमें से 5 दाने भी बच जाते हैं तो उसे आप ग्रहण कर लेते, मुझे विश्वास है कि तब आपको विश्वास होगा कि कैसे ये खा के मेरा पेट भर गया और मन तृप्त हो गया। ठीक है, अभी खा कर देखती हूँ। राधा, ये गठरी कितनी मनमोहक है, क्या है इसमें? ये
जिसमें कृष्ण के सखा सुदामा के लाए हुए चावल हैं। और ये केवल मुट्ठी भर चावल ही नहीं, सुदामा का सर्वस्व है। इसमें सखा प्रेम का ऐसा अनुपम और पवित्र भाव है जिसे थोड़ा सा खाकर कृष्ण तृप्त हो गया। ये उपाय अच्छा है। यदि श्री कृष्ण का पेट मुट्ठी भर चावल से भर सकता है तो मेरा भी भर जाएगा। बस अब देखना यह है कि तुम भाव समझकर इसे ग्रहण करती हो या केवल भूख मिटाने वाला अन्न समझकर। इसे तुम सखा प्रेम समझती हो या केवल व्यवहारिक। सुदामा के माध्यम से अपने सत्य के अस्तित्व की ओर एक और पग बढ़ाती हो या नहीं। वाह, कितनी सुंदर व्याख्या की तुमने राधा। किंतु इन शेष चावलों का क्या करें? इन्हें भी तो किसी को ग्रहण करना चाहिए ना। मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे जिसके भी भाग्य में होंगे उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे।